वेलकम बैक। सो द स्वेटी ऐश्वर्या इज बैक। ये कोकम का शरबत इतना अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि पुणे में तो इतनी गर्मी पड़ चुकी है। मुझे नहीं पता आप रह रहे हो उधर कितनी गर्मी है, और ये झाड़ू पोछा जो अभी क्वारंटीन जॉब ही बन चुका है हमारा, उससे ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो आज सुबह का प्रॉपर रोटियां मैंने बना ली, लेकिन आज का ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो लंच है वो बाबा ने बनाया है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं नहा कर आती हूँ। सो फाइनली नहाना हो गया। इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे पता नहीं, लेकिन अराउंड अभी 1:30 हो रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ बाबा ने लंच क्या बनाया है। इधर बनाया है ये बैंगन का भरता, जो मुझे आजकल काफ़ी पसंद है। इधर है सांबार, और एक्चुअली ये मैंने आज सुबह नाश्ते के लिए पोहे बनाए थे, तो अभी मैं जल्दी से खाऊंगी, और आई गेस लेफ्ट ओवर थोड़ा आमरस भी है। सो लंच करते हैं, भूख लगी है। पुणे में जिधर मैं रहती हूँ उधर तो अभी धीरे धीरे लॉकडाउन रिलीज करते जा रहे हैं, और मेरे हिसाब से सभी जगह पर अभी ये लॉकडाउन स्लोली रिलीज हो रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि उससे आपका टेंशन थोड़ा बढ़ रहा है? मतलब मेरा तो बढ़ रहा है, क्योंकि अभी लोग खुलेआम घूमेंगे, और मैं जिधर रहती हूँ टच वुड वो जगह कंटेनमेंट जोन नहीं है, लेकिन उसके वजह से काफ़ी लोग काफ़ी चिल जोन में जा चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे दुकान पर भीड़ करते हुए दिखाई देते हैं, या फिर नीचे जाते वक्त दिखाई देते हैं। मतलब लोगों का टेंशन ही थोड़ा कम हो चुका है, तो अभी शायद हमको ज़्यादा केयरफुली रहना पड़ेगा, ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो सभी लोग बाहर है। और बाहर बोल ही रही थी मैं, तो कल मैं गई थी बाहर काफ़ी दिनों के बाद कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। सो लेट मी शो यू व्हाट आई गॉट। तो सबसे पहले ये वीबा का टोमेटो सॉस, उसके बाद वीबा का ही हनी मस्टर्ड ड्रेसिंग, उसके बाद जो मैंने कल ऑलरेडी ओपन कर दिया है ये डेलमोंटे की होल व्हीट स्पगेटी है, उससे मैंने कल बनाया था पेस्टो स्पगेटी, उसका मैं फोटो इधर इंसर्ट कर दूंगी, और इट वॉज डिलीशियस, और वो मैंने काफ़ी दिनों के बाद खाया। उसके बाद ये पेने रिगाटे होल व्हीट पास्ता, ये भी मैंने उसके साथ लाया, उसके साथ रैंडमली सर्फ एक्सेल, और फाइनली मुझे किधर तो अमूल का ये फ्रेश क्रीम मिल गया, क्योंकि मैं जिधर रहती हूँ उधर हमें फ्रेश क्रीम कब से नहीं मिल रहा था, और मेरी एक दोस्त का बर्थडे आ रहा है, तो मुझे कुछ तो बनाना है उसके लिए, तो उसके लिए वो फ्रेश क्रीम, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और जो मुझे लाना था, ऑलिव्स। आई लव ऑलिव्स, और मुझे कब से ऑलिव्स चाहिए थे, लेकिन अभी लॉकडाउन में ऑलिव्स की मतलब ऑलिव्स मिलना एक्सपेक्ट करना काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारे इधर किधर ऑलिव्स मिल ही नहीं रहे थे, लेकिन कल फाइनली ऑलिव्स मिल गए, और उसके लिए मैंने दो बॉटल्स ले ली है, क्योंकि फिर से तो मैं ऐसे बाहर निकलूंगी नहीं, लेकिन ऑलिव्स। और जबकि मैं कल बाहर गई तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे जैसा लग रहा था कि पुणे की सिचुएशन खराब होने के वजह से काफ़ी लोग रस्तों पर नहीं होंगे, लेकिन उल्टा हो गया, काफ़ी लोग मुझे रस्तों पर दिखाई दिए। मतलब सबने ग्लव्स वगैरह पहने थे या फिर मास्क पहने हुए थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने लोग रोड पर होंगे, तो उसका ही मुझे थोड़ा थोड़ा टेंशन आ जाता है कि लोग थोड़े टेंशन फ्री ही ना हो जाए फुल्ली, तो इसके वजह से मैं तो अभी घर पर ही हूँ, लेकिन काफ़ी सिचुएशन चेंज हो रही है। और वन मोर थिंग, यह है अर्सेनिक एल्बम 30। सो अर्सेनिक एल्बम अगर आपने सुना हो तो ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा बूस्ट करती है, जिसके वजह से आप कोरोना के लिए आपको आपकी इम्यूनिटी अच्छी चाहिए है, मतलब जितनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो उतना आप इजीली उससे फाइट कर सकोगे, तो उसके लिए अर्सेनिक एल्बम को काफ़ी लोग काफ़ी प्रमोट कर रहे थे, और हमने डॉक्टर को भी पूछा होम्योपैथिक, तो वो भी बोल रहे थे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं है कि सच्ची में उसका कुछ फ़ायदा है भी या नहीं, लेकिन कल ही मुझे एक हमारे घर के नज़दीक ही होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर है
उधर से मिला है, तो मैं और बाबा उसका डोज चालू करेंगे। लेकिन अगर आपने वो डोज लिया हुआ है और अगर आप कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो मुझे इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक बता दीजिए, और आपको कुछ चेंज मतलब अभी कैसे समझ में आएगा आई डोंट नो, लेकिन कुछ समझ में आ गया हो तो लेट मी नो। तो अभी लॉकडाउन में मैं काफ़ी बोर हो चुकी हूँ और करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं हेल्दी होल व्हीट ब्रेड बनाकर देखूं। तो कल मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे हॉल में मतलब इंक्लूड करना भूल गई कि मुझे मिला है एक्टिव ड्राई ईस्ट फाइनली, जो भी इधर किधर मिल नहीं रहा था काफ़ी दिनों तक। तो मैंने सोचा वो भी है मेरे पास, मैं भूल गई थी कि मैंने ये कंटेनर भी लिया हुआ है एल्यूमिनियम का जिसमें हम ब्रेड लोफ बना सकते हैं। तो अभी मैं ऑनलाइन थोड़ी रेसिपीज ही ढूंढ रही थी, तो मुझे एक रेसिपी मिल चुकी है जो मैं बना सकती हूँ, सो मैं अभी आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो उसके लिए मेरे पास अभी इधर है एक कप वार्म मिल्क, तो अभी मैं ये इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो वार्म मिल्क में अभी जाएगी 2 टेबलस्पून शक्कर, और बाय द वे मेरे पास ये पूरा ऐसे स्पून्स और कप का एक कलेक्शन है जो मैंने अमेजोन से लिया है, उसका नाम है गेड मेजरिंग कप 8 पीस एंड स्पून सेट। तो अगर आपको बेकिंग में इंटरेस्ट हो तो आप वो ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि बेकिंग ये ऐसी चीज़ है कि आप आई बॉलिंग करके नहीं सब ऐड कर सकते। मैंने काफ़ी बार काफ़ी मेरे फेल अटेम्प्ट्स जा चुके हैं। तो आगे बढ़ते हुए अभी शक्कर मैंने ऐड कर ली है, तो अभी हमें आगे ऐड करना है इसमें ईस्ट। तो मेरे सेट में मुझे 1/2 टेबल स्पून दिख ही नहीं रहा था, लेकिन अभी ये जो ड्राई ईस्ट है ये मुझे 1/2 टेबल स्पून ऐड करना है इस वार्म मिल्क और शक्कर के मिक्सचर में। सो ईस्ट ये मैंने मिक्स करके अराउंड 5 मिनट रख दिया है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये एक्टिवेट हुआ है या नहीं, लेकिन मैं अभी ऐसे ही सोचने वाली हूँ कि ये एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन जाने दो। तो अभी इसमें मुझे ऐड करना है 3 कप आटा, और शायद अभी मैं बना ही रही हूँ। ओह माय गॉड, अगर आप देखो तो इतना सारा आटा ही है जो आपको वो ठीक से नहीं दिख रहा, और नीचे किधर तो थोड़ा मिल्क और ईस्ट है, और आई डाउट कि वो इनफ होगा ये नीड करने के लिए, लेकिन लेट्स सी। ये शायद मैं अभी ये ब्रेड लोफ बना ही रही हूँ तो कल पाव भाजी बन सकती है, ये पाव नहीं है लेकिन चल जाएगा, लेकिन पाव भाजी के लिए सब्जियाँ भी कम है, लेकिन विल मेक दैट वर्क। अभी हमें 1 टीस्पून नमक ऐड करना है इसमें, और 2 टेबलस्पून किधर गया टेबलस्पून 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें ऑयल। सो ये अभी सिचुएशन है, ओके मिल्क आ रहा है नीचे से, तो ये अभी मैं मिक्स कर लूँगी, और बीच में पानी डालकर भी मुझे मिलाना है। लेट मी शो यू, इसमें अराउंड ये 1/2 कप मैं पानी डालकर इसको नीड करके ले रही हूँ। सो मैं भी इस फ्लोर को टक कर रही हूँ, होप्स थोड़े कम ही है कि ये फूलेगा साइज में, लेकिन अभी तो ड्राई ईस्ट के साथ तो होना चाहिए था, लेट्स सी। ओके, तो अभी ये अच्छे से ग्रीस हो चुका है, तो इसमें मैं ये ऐड कर दूंगी और इसको कवर कर रखूंगी अराउंड 2 आवर्स। इन द मीन टाइम इधर सारे धोए हुए बर्तन हैं जो मुझे लगाने हैं। ओह माय गॉड, इग्नोर कीजिए उस मिरर को, लेकिन बर्तन लगाते हैं। सो फाइनली क्लीनिंग इज डन, एंड अभी अराउंड 4:30 हो रहे हैं, सो इट्स चाय टाइम। अभी इसको फिर से ऐसे ही अराउंड 1/2 आवर कवर करके रखना है, तब तक मैं देख लेती हूँ कि वो OTG का सेटिंग क्या है। वो मुझे प्री हीटिंग के लिए रखना है 180 डिग्री पर। इसके ऊपर मैं अभी ये ओट्स डाल रही हूँ ऐसे ही, और ये सेसमे सीड्स।
अराउंड 180 डिग्री पर अभी जाएगा फॉर 30 मिनट्स. ओके, तो अवन को मैंने अच्छे से अराउंड 10-15 मिनट्स के लिए प्री हीटिंग के लिए रख दिया था. उसके बाद अभी हमारा उसमें ब्रेड गया है, वो 180 डिग्री पर अराउंड 30 मिनट पूरा बेक हो जाएगा. सो अभी अराउंड 9:30 हो रहे हैं और मैंने डिनर को खाया है सांबर राइस, और हमारा जो ब्रेड है वो इधर अभी कूल डाउन होने के लिए रख दिया है. और इधर अगर आप अभी देखोगे तो मैं सॉर्ट ऑफ एक काढ़ा ट्राई कर रही हूँ. टू बी ऑनेस्ट, कोरोना इज़ अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो वो कैसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए और इन माई केस मेंटल पीस के लिए मैं ये काढ़ा आज ट्राई कर रही हूँ. तो इधर मैंने डाला है कोरिएंडर सीड्स, उसके बाद जीरा है, थोड़ी सौंफ है, थोड़ी लौंग की पाउडर है, उसके बाद सुंठा पाउडर जो हम बोलते हैं, जो कि ड्राइड जिंजर पाउडर होती है, वो इसमें है. उसके बाद इसमें हल्दी है और एंड में थोड़ा पीते वक्त हनी और लाइम ऐड कर सकते हैं, लाइम फॉर सम विटामिन सी, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं आ रहा. और ऐसे ही ये थोड़ा ठंडा होने देंगे और बाद में पियेंगे. मेरे बाबा कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं आज से ये ट्राई करने वाली हूँ. लेट्स सी. गुड मॉर्निंग, इट इज़ द नेक्स्ट डे और इधर हमारी बन रही है पाव भाजी. और ये जो मैंने कल बनाया हुआ ब्रेड था वो मैंने ऐसे ही रात को रख दिया था, कट नहीं किया था, तो अभी हम वो कट कर देखेंगे, मतलब समझ में आएगा सच्ची में ब्रेड कैसा बना है. It is nice. ईस्ट का थोड़ा फ्लेवर मुझे ज़्यादा लग रहा है, सो थोड़ा कम ईस्ट भी चल जाता है, लेकिन द टेस्ट ऑफ द ब्रेड इज़ वेरी गुड. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप ये रेसिपी ट्राई करने वाले हो और अगर आपको ये रेसिपी पसंद भी आई हो तो भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जो कि है रेड कलर का बटन, और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, मतलब आपको ज़रूर नोटिफिकेशन आएगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी. अंटिल देन आई लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय.